वक्फ पर बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति उर्फ जेसीपी की पहली बैठक से पहले सामने आया उसका एजेंडा। मुस्लिम संगठन जेपीसी की पहली बैठक के रोज ही करेंगे विरोध। 22 अगस्त यानी कल वक्फ बोर्ड से जुड़े बिल पर बनाई गई संयुक्त संसदीय कमेटी की पहली बैठक होगी। बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। एबीपी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जेपीसी की पहली बैठक में अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहेंगे। ये अधिकारी जेपीसी के सदस्यों को बिल के जरिए लाए गए संशोधनों की जानकारी देंगे। पहली बैठक में कानून मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। कानून मंत्रालय के अधिकारी मौजूदा कानून और नए कानून की जानकारी कमेटी के सदस्यों के सामने रखेंगे। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से उसका फायदा आम माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक के लोगों को मिले, बच्चों को मिले। सरकार चाहती है कि ये बिल देश के हित में हो। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा हिंद ने जेपीसी की पहली बैठक के दिन ही विरोध करने का भी ऐलान किया है। नए वक्फ बिल का विरोध कर रहे मुस्लिम संगठन जेपीसी में शामिल जो विपक्षी दल हैं उनकी और साथ साथ में जो एनडीए के सहयोगी दलों के नेता हैं उनसे मुलाकात कर चुके हैं और वो पहले ही इसको लेकर के अपना विरोध जाहिर कर चुके हैं। दो दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, चुनावी तैयारियों को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं से करेंगे बैठक। भारत बंद और एयरपोर्ट पर तकनीकी वजहों से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तय समय से देरी से श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर में कांग्रेस नेताओं ने राहुल और खड़गे का स्वागत किया। राहुल गांधी 22 अगस्त यानी कल सुबह कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। कल दोपहर 1:30 बजे राहुल गांधी जम्मू रवाना हो जाएंगे। कल दोपहर 2:30 बजे राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से जम्मू में मुलाकात करेंगे। राहुल कल शाम दिल्ली रवाना हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अब तक कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। एंटी बीजेपी वॉइसेस हैं, उनको स्ट्रेंथ देने की या उनको ताकत और उनको मजबूत करने की जहां पे भी जरूरत पड़ेगी वहां पे हमारी तरफ से जितना भी कंट्रीब्यूशन किसी भी पार्टी को चाहिए होगा उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। अपनी पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। पार्टी ने घोषणा पत्र में पूर्ण राज्य का दर्जा, धारा 370 की वापसी, 500 यूनिट की फ्री बिजली और कश्मीरी पंडितों की घर वापसी जैसे मुद्दे शामिल हैं। हम इलेक्शन अपनी बुनियाद पर लड़ेंगे, इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को ना साथ दे देंगे ना उनसे कोई सहयोग ले लेंगे। अपनी पार्टी हर एक सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी ने भी जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने दिए नई पार्टी बनाने के संकेत, कहा समान विचारधारा वालों के साथ होगी आगे की राजनीति। दिल्ली से अपने गांव पहुंचने पर समर्थकों ने चंपई सोरेन का जोरदार स्वागत किया। जेएमएम से बगावत का झंडा बुलंद करने के बाद चंपई पहली बार अपने गांव पहुंचे थे। झारखंड में चंद महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में अब सवाल ये है कि चंपई सोरेन आगे क्या करेंगे। एबीपी न्यूज से बातचीत में चंपई ने इसका संकेत दिया। जो हमने बोला था सन्यासी लेंगे, आप सन्यासी नहीं लेंगे। क्या नया अध्याय हमने शुरू किया है, नया अध्याय में चैप्टर बनते जाता है, संगठन को बनाएंगे मेरे विचार के साथ, मेरा भावना के साथ, तो उसका साथ दोस्ती भी कर सकते हैं। चंपाई सोरेन हेमंत सोरेन और जेएमएम को लेकर सोशल मीडिया पर अपना संतोष जता चुके हैं। उनके बीजेपी में जाने की अटकलें भी लगाई जा रही थीं, इस पर वो सफाई भी दे चुके हैं। हम तो आप अपना बच्चा को देखने गया, हमारा पोता को देखने गया, उस चीज को दोहराएंगे नहीं। अब नया अध्याय में हम बढ़ गया, बड़े नेता हैं और अब दिल्ली से लौट के अगर चंपाई बाबू का यही मंतव्य आ रहा है कि वे अपनी अलग पार्टी बनाएंगे तो उनको पार्टी बनाना चाहिए। कोल्हान टाइगर कहे जाने वाले चंपई सोरेन की कोल्हान क्षेत्र में काफी पकड़ है। कोल्हान में विधानसभा की 14 सीटें हैं। सरकार से बड़ा संगठन को बताने वाले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने फिर छेड़ा योगी राग। केशव मौर्य ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक बार फिर से की जमकर तारीफ। वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भी न राम भक्ति से समझौता है, न राष्ट्रभक्ति से समझौता है। बाबूजी के पदचिन्हों पर उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। यकीन करना मुश्किल है कि ये वही केशव प्रसाद मौर्य हैं जो पिछले कुछ समय से सीएम योगी के खिलाफ बगावती तेवर अपनाए हुए थे, लेकिन अब वो जिस मंच पर भी जा रहे हैं योगी की तारीफों के पुल बांधने का कोई मौका नहीं चूक रहे। 3 दिन पहले ही उनके सीएम योगी को लेकर सुर बदलने शुरू हो गए थे। देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है उसने सबसे अच्छा काम किया जा रहा है, तो पीछे
होना चाहिए कि आगे होना चाहिए। इस बीच आज देर शाम एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ। सीएम योगी के सरकारी आवास पर यूपी बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें आरएसएस के पदाधिकारी भी मौजूद थे। ये बैठक सरकार, संगठन और आरएसएस के समन्वय को लेकर थी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल और आरएसएस की तरफ से दो पदाधिकारी मौजूद थे। माना जा रहा है या तो केशव मौर्य से योगी को लेकर चुप रहने को कहा गया है, या फिर उत्तर प्रदेश बीजेपी में चल रहा ये घमासान 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव तक शांत रहेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।